इस दिन से जियो फिर से पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। ग्राहक खुशी से झूम रहे हैं। रिलायंस जियो ने हाल ही में घोषणा की है कि वॉइस कॉल अब अपने नेटवर्क पर मुफ्त नहीं है और तब से वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जैसी कंपनियों के लिए जियो की कॉल पर 6 पैसा प्रति मिनट लिया जा रहा है। जियो के इस फैसले से ग्राहकों की संख्या पर क्या असर पड़ता है, इसके अलावा इस टेलीकॉम कंपनी ने अपनी मौजूदा रिपोर्ट योजनाओं को भी संशोधित किया है और वे IEC टॉप अप प्लान के साथ में जियो ने सभी प्लान अब तक IEC टॉप अप के साथ आते हैं उनको एयरटेल वोडाफोन BSNL पर कॉल करने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। रिलायंस जियो ने अभी से अपने नेटवर्क पर लीड लाइन पर कॉल की जाने वाली कॉल मुफ्त ही रखी है। वो रिलायंस जियो ने कहा है कि इस समय शुरू हुआ IEC चार्ज 31 दिसंबर 2019 तक चलेगा और यह उम्मीद की जा रही है कि अगले साल को शुरुआत में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसी चार्ज को सुन कर देगा। उसके बाद से जो एक बार फिर से अपने मुफ्त कॉलिंग की सेवाएं उपलब्ध करा सकता है। हम आपको बता दें कि जियो ने कहा है कि जैसे ही ट्राई IUC रिचार्ज को खत्म करता है वैसे ही जियो की ओर से यह रिचार्ज को खत्म कर दिया जाएगा और ग्राहक इस फैसले से बहुत खुश हैं।